मान लीजिए कि यह हमारा कोई साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन बंध श्रृंखला बनाया है तो साइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें से कोई एल्काइल ग्रुप शामिल हो गया, इसको बोलेंगे यहाँ पर क्या है, R है, R यानी क्या है CH3। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है, तो जहां से ब्रांच निकला है वहीं से नंबर को शुरू करेंगे, 1, 2, 3 सही है। 1 से क्या निकला है, मेथिल, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को ही लिखेंगे, 1 मेथिल, और उसके बाद क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, और 1 मेथिल साइक्लो, 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रोप, लास्ट में क्या लगाएंगे, एनी। तो 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन, पहले होता था साइक्लोप्रोपेन, लेकिन अब उससे 1 से मेथिल गया है ना, तो 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन। इसी में अगर अगर हम कहते हैं कि ये हो गया हमारा, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है, कहां से, यहां से नंबर शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 1 से क्या निकला है, 1 से मेथिल निकला है ना, 1 जहां से ब्रांच निकला है वहीं से लोकन शुरू करेंगे, तो क्या होगा बोलो, 1 मेथिल, इसको मेथिल कहेंगे, यहां से 3 है, इसको मेथिल कहेंगे, 1 मेथिल साइक्लो, 4 है तो ब्यूटेनी, 1 मेथिल साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, 1 मेथिल साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। एग्जाम्पल आर है और यानी कंपाउंड है, 1, 2, 3, 4, 1 से देखो 2 एल्काइल ग्रुप निकला है, यहां से 3 है ना, ये मेथिल है ना, हाँ, लिखा जाए या ना लिखा जाए वहां है, तो बोल 1 से क्या निकला है, 2 मेथिल निकला है, तो 1, 1 और कितने मेथिल हैं, 2, तो डाई मेथिल लिखेंगे ना, तो क्या होगा बोलो, 1, 1 डाइमेथिल साइक्लो, और 4 है तो क्या लिखोगे, देखो कार्बन 4 है तो ब्यूटेन ना हो जाएगा, 1, 1 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन, 2 मेथिल निकला है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 1 मेथिल था, सिर्फ 1 ही मेथिल था ना, 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन, इसके बाद वाला क्वेश्चन में यहाँ से एक और मेथिल निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्लियर हो रहा है, 1 से कितने मेथिल हैं, तो 1, 1 दोनों 1 ही से निकला है, तो 1 मेथिल 1 मेथिल, तो क्या होगा, 1, 1 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन, 4 है तो ब्यूटेन होगा, सही है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, सही है, तो जहां से हमारा सब्स्टिट्यूट निकला हुआ है एल्काइल ग्रुप वहीं से लोकन शुरू करेंगे, चलो 1, 2, 3, 4, 1 से क्या निकला है, 2 मेथिल निकला है, तो क्या होगा बोलो, 1, 1 कितने मेथिल है, 2 है तो डाई मेथिल लिखेंगे, दोनों कहां से निकला है, 1 से, तो 1 मेथिल 1 मेथिल, तो 1, 1 डाई मेथिल, 4 है तो बोल कर लिखें, साइक्लो ना जुड़े, साइक्लो ब्यूट एनी, 1, 1 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यही था, देखो 1, 1 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन, उसमें क्या था, बस क्वेश्चनों में जो मेथिल निकला था ना वो एगो ऐसे निकल गया था, एगो ऐसे निकल गया था, इससे क्या मतलब है, अरे 1 से ही 2 मेथिल निकला है इसमें, इस अगले वाले क्वेश्चन में देखो इसमें भी कहाँ से निकला है और कब निकला है, 2 ही निकला है, तो 1, 1 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, सही है। अब एक यहां से एल्काइल ग्रुप निकल गया हो मेथिल और एक यहां से मिल गया हो, ठीक है, तो अब यहां पर लोकेंट्स कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो, यहां से तो शुरू करेंगे, यहां पर 2, 3 अगर 4 हम लिखते हैं तो इस एल्काइल ग्रुप को नंबर 1 मिल रहा है और इस वाले एल्काइल ग्रुप को 4 मिल रहा है, तो 1, 4 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पर हम 1 लिखे हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोकेंट्स को
सॉरी सब्टीट्यून को छोटा से छोटा डिजिट बनाना है, तो यहाँ पर इसको कितना नंबर मिल रहा है, चार, चार मिल रहा है। अगर हम इधर से नंबर शुरू कर देते इधर कितना मिलेगा, दो मिलेगा। तो हमारा काम क्या है, सब्टीट्यूटो को छोटा डिजिट देना है। तो इधर से चलेंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, फोर मिल रहा है। इधर से चलेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, टू मिलेगा। तो हमें उस डायरेक्शन से चलना है जिधर सब्टीट्यूट को छोटा डिजिट मिले। इधर से आने पर यहाँ कितना मिल रहा था, फोर मिल रहा था, और इधर से जाने पर कितना मिल रहा है, टू। तो किधर से चलेंगे, जिधर से छोटा डिजिट मिले तो इधर से चलेंगे, वन टू थ्री फोर, ये सही होगा। यहाँ पर अगर इधर से चलेंगे तो यहाँ पर फोर पहुंच जा रहा था, जो बड़ा नंबर है। हमें छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर चाहिए, तो बोलो क्या होगा अब, वन कमा टू, कौन मेथिल है, दो मेथिल है, कहाँ कहाँ से निकला है, समझ में ना। इधर से शुरू करने पर, यहाँ से शुरू करेंगे तो इधर छोटा नंबर मिलेगा, और इधर से चालू करने पर बड़ा नंबर मिलेगा। हमें छोटा नंबर चाहिए, वन टू डाइमेथिल, बोलो साइक्लो, चार है तो चार है, देखो ऊपर साइक्लो ब्यूटेन, वन टू डाइमेथिल साइक्लो ब्यूटेन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाए, ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाए, अब देखो इसमें वन और टू कहाँ लिखें, आप यहाँ लिखेंगे, अगर ऊपर लिखेंगे तो टू यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर थ्री आएगा जो कि बड़ा नंबर है, और अगर डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँचते हैं इधर से तो यहाँ पर टू मिलेगा। तो टू इधर से चलने पर टू, ऊपर से चलने पर थ्री मिल रहा है, किधर से चला जाए, इधर से चला जाए, इधर से चलने पर टू मिलेगा, ऊपर थ्री। तो बोलो, एक वन से मेथिल निकला है, एक टू से निकला है, कितने मेथिल हैं, दो मेथिल है, तो ढाई मेथिल लिखेंगे, तीन है तो साइक्लो के लिए हम थ्री है तो क्या लिखेंगे, प्रोप ए एन ई, प्रोपिन हो जाएगा, वन टू डाइमेथिल साइक्लो प्रोपिन हो जाएगा। ठीक है, इतना एग्जांपल करेंगे, नेक्स्ट डे आगे देखेंगे। ठीक है।